Hello children, today I am going to start chapter motion. It's the 8th chapter of 9th physics and it's a very interesting and basic topic of physics. आइए ट्राई करते हैं कि है क्या मोशन ये पता करना है. सपोज जब मैं आपको ये समझाने जा रहा हूं कि मोशन है क्या, मे बी आप अपने घर में चेयर पे बैठे हों, लेटे हों या फिर कुछ कर रहे होंगे. सपोज मान लेते हैं कि यू आर सिटिंग इन द चेयर एंड मैं यहां आपसे क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं कि आपकी क्या पोजीशन है. मींस आर यू एट रेस्ट और आर यू आर इन मोशन. मींस आप रुके हुए या फिर चल रहे हो. ओके, तो आपके माइंड में तुरंत आंसर आएगा कि यू आर सिटिंग इन द चेयर मींस यू आर एट रेस्ट. मीन्स आप रुके हुए रेस्ट में हो, चल नहीं रहे हो. अब यहां पे एक लॉजिकल बात करते हैं कि आप चेयर में बैठे हो, चेयर कहां पे है. चेयर आइदर आप यू आर इन बिल्डिंग, बिल्डिंग में आप फर्स्ट फ्लोर पे होंगे, सेकंड पे होंगे या फिर ग्राउंड पे होंगे. बट बिल्डिंग है कहां पे, बिल्डिंग अर्थ पे है. आपके माइंड में क्वेश्चन आया कि जब मैं चेयर बैठा हूं तो रेस्ट में हूं, बट वो चेयर बिल्डिंग में है और बिल्डिंग कहां है, अर्थ पे. एंड अर्थ इज वॉट, अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन. अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन मीन्स विद अर्थ यू आर ऑल्सो इन मोशन. चेंज हो गया माइंड सेट, कि अभी तो हम सोच रहे थे कि हम तो रुके हुए हैं, बट अर्थ तो घूम रही है ना, और अर्थ के साथ हम भी क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं. आपने एक जनरल एक्सपीरियंस किया होगा कि सपोज आप बस में कहीं ट्रेवल कर रहे हो, यू आर ट्रेवलिंग इन बस. आप क्या फील किया है कि बस के बाहर जो रोड के साइड में पेड़ होते हैं, बिल्डिंग्स होते हैं, तो हमेशा फील होता है कि बस, सपोज बस इज गोइंग टूवर्ड्स ईस्ट, टूवर्ड्स ईस्ट, ऐसा लगता है कि ऑल द ट्रीज एंड बिल्डिंग्स आउटसाइड द बस आर गोइंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन मीन्स टूवर्ड्स वेस्ट. बस जा रही ईस्ट में तो हमको क्या लगता है कि सब चीजें पीछे भाग रही हैं, जो भी खेत है, फील्ड है, वट एवर यू आर सीइंग आउटसाइड द बस, दे आर गोइंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन. आर दे रियली मूविंग. आप बस को रोको और बाहर जाके देखो, देन ट्रीज आर एट रेस्ट ऑन अर्थ, बिल्डिंग्स आर एट रेस्ट ऑन अर्थ. बट जब आप बस में चल रहे हो तो ऐसा लगता है कि ऑल द थिंग्स आउटसाइड द बस लाइक ट्रीज, बिल्डिंग, दे आर गोइंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन. उसी टाइम पे आप जरा सा ऐसा विचार करो कि सपोज आप बस में बैठे हो, आपके बाजू में एक और आदमी बैठा है एंड आप बस में 2 से 3 किलोमीटर ट्रेवल कर गए और उस आदमी से पूछो तो बोलेगा कि आप रेस्ट में हो, आपने आप तो कहीं गए नहीं, और आपके लिए वो आदमी क्या है, वो रेस्ट में, क्योंकि वो भी कहीं नहीं गया. मीन्स फॉर दैट पर्सन यू आर एट रेस्ट, यू आर एट रेस्ट. बट एट द सेम टाइम एक ऐसा आदमी जो बस के बाहर खड़ा है, रोड पे है, उस आदमी के लिए आप क्या हो, मोशन में हो. आप अकेले, आपके बाजू में जो बैठा है उसके लिए आप रुके हुए हो, बट जो बंदा बस के बाहर है उसके लिए आप चल रहे हो. एक ही आदमी एक के लिए रेस्ट में है, दूसरे के लिए मोशन में है. इट्स अ वेरी स्ट्रेंज कॉन्सेप्ट. तो प्रॉब्लम क्या है अगर ऐसा है कि एक ही आदमी किसी एक के लिए रेस्ट में है, किसी एक के लिए मोशन में है, तो हम डिफाइन कैसे करेंगे मोशन में. आप ट्रेन में सफर किए होंगे, आप ट्रेन में सफर कीजिए, बाजू वाले पैसेंजर के लिए आप रेस्ट में हो, लेकिन जो बंदा प्लेटफॉर्म पे है उसके लिए क्या लगता है, आप मोशन में हो, उसके लिए आप मोशन में हो. एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज टू ट्रेन्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद द सेम स्पीड, दोनों की स्पीड भी सेम है एंड बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन. तो अगर आप दोनों विंडो की तरफ देखेंगे तो दो विंडो पे आदमी बैठे होंगे. फॉर दिस पर्सन इज एट रेस्ट एंड फॉर दिस पर्सन इज एट रेस्ट, बिकॉज इन दोनों के बीच में कोई पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है. एक्चुअली बोथ द ट्रेन्स आर मूविंग,
but for each other these window persons are at rest. तो अगर ऐसा है concept, तो हम इस motion को define कैसे करेंगे? टेक्निकली आप ऐसा कैसे हम एक्सप्लेन करें कि मोशन को हम समझा सकें किसी को, कि हम कब बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्ट मोशन में है और ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है. इसके लिए हमको समझना पड़ेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस. फ्रेम ऑफ रेफरेंस सी चिल्ड्रन, कोई चीज रेस्ट में है या मोशन में है ये डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे. इट डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जर्वर कि हम कहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं. सपोज आप बस में चल रहे हो, अगर ऑब्जर्व करने वाला पर्सन बस के अंदर है देन फॉर दैट पर्सन यू आर एट रेस्ट. बट इफ यू आर ऑब्जर्व बाय द पर्सन आउटसाइड द बस, बस के बाहर, तो उसके लिए आप क्या हो गए? मोशन में है. दो ऑब्जर्वर हैं, एक आपके फ्रेम में है फॉर दैट यू आर एट रेस्ट, एंड दूसरा आपके फ्रेम के बाहर है उसके लिए आप मोशन में हो. तो हम कैसे डिफाइन करेंगे मोशन एक्चुअली है क्या, जो आपका चैप्टर का नाम है. वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट ऐसा लगता है, लेकिन समझने के लिए लगता है बहुत टफ है. ठीक है, तो चलिए हम ट्राई करते हैं कि हम समझ पाए कि मोशन को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं. ये हमारी डेली लाइफ का क्वेश्चन है, मोशन क्या है, रेस्ट क्या है. देन एनी ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मोशन. एनी ऑब्जेक्ट या एनीथिंग, एनी ऑब्जेक्ट और एनीथिंग is said to be in motion, said to be in motion if its position, if its position changes with time or surrounding. Otherwise, otherwise at rest. तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, किसी एक फ्रेम में अगर आप हैं, किसी एक फ्रेम में हैं, तो अगर टाइम के साथ और सराउंडिंग के साथ पोजीशन चेंज हो रही है, सेट टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस. जैसे मैं यहां पे पढ़ा हूं, एक वॉल इधर है, एक वॉल इधर है. ठीक है, मैं यहां पे इस वॉल से एक मीटर के डिस्टेंस पे हूं, एंड नाउ आई एम मूविंग इन दिस डायरेक्शन. नाउ माय पोजीशन फ्रॉम दैट वॉल इज 2 मीटर. मींस टाइम के साथ मेरी पोजीशन 1 मीटर से कहां हो गई, 2 मीटर हो गई. एंड सराउंडिंग में भी अभी ये चीज मुझको नजदीक लग रही है, वो क्या लग रही है, दूर. इसका मतलब क्या है, टाइम के साथ और सराउंडिंग के साथ मेरी पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई. और अगर चेंज नहीं होगी तो रेस्ट में हो. तो ये सिंपल वे है फॉर अंडरस्टैंडिंग मोशन का. नाउ ये क्वेश्चन है, क्या आपके माइंड में कोई ऐसी चीज है जो भी आप सोच सकते हो, कहीं पे देखे हो, या फिर कुछ भी जिसको आप बोल सको कि ये ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. आप उसको कहीं से भी देखो, किसी भी फ्रेम से देखो, कहीं से ऑब्जर्व करो, लेकिन ये क्या है, रेस्ट में है. या फिर कोई ऑब्जेक्ट आपके माइंड में ऐसा हो जिसको आप बोल सको कि फ्रॉम एनी वेयर इफ यू वॉन्ट टू ऑब्जर्व दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन. बेटा इट्स नॉट पॉसिबल. Anything can be explained as a rest or in motion. वो depend करता है कि हम उसको कहां से देख रहे हैं. Suppose एक person खड़ा है and एक person जा रहा है. तो जो person जा रहा है, जो खड़ा है उसके लिए वो जा रहा होगा आगे, लेकिन जो जा रहा है उस person के लिए जो rest में आदमी हो, कहां जा रहा है, वो पीछे जा रहा है. Then rest and motion, these two are related concept. Rest and motion, ये कैसे concept है, relative concept है. अब ये कहां से आ गया, नया word relative, ये कहां से आ गया,
इसको जरा हम एक सिंपल एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। सपोज हमने तीन बंदे को ले लिया, राम श्याम एंड शिव, तीन को ले लिया, ठीक है। राम है, इसकी हाइट जो है, ऐसे एग्जांपल ले लो कि इसकी हाइट 1 मीटर है, 1 मीटर में 2 फीट मान लो, इसकी हाइट कितनी है 2 फीट हो गई। अब यहां पे श्याम लिया हमने, श्याम की हाइट मान लेते हैं 1 फीट है, और यहां पे शिव को ले लिया और शिव की हाइट मान लेते हैं 4 फीट है, कितने हैं 4 फीट, प्लस 4 बड़ा बना देते हैं 4 फीट हो गया। अब जरा देख लो, अगर मैं कंपेयर करूं राम को शिव से, इफ आई कंपेयरिंग द हाइट ऑफ राम विद शिव, तो आप क्या बोलोगे, राम इज स्मॉलर देन शिव, राम इज स्मॉलर देन शिव, मीन शिव के लिए छोटा है ये। बट अगर इसी राम को आप श्याम से कंपेयर कर दो, देन राम इज टॉलर देन श्याम। इसको बोलते हैं रिलेटिव, आप किसके साथ कंपेयर कर रहे हो। एग्जाम्पल सपोज आपका रिजल्ट आ गया एंड यू गॉट 95% ओवरऑल, पेरेंट्स खुश, कितना पा गए 95, इट्स अ वेरी गुड मार्क्स, पेरेंट खुश। लेकिन जस्ट 2 मिनट के बाद उनको पता चला कि हमारे पड़ोस में एक बच्चा है, उसका मार्क्स तो 98% हो गया, खुशी गए। इसको बोलते हैं कंपैरिजन, आप कंपेयर किससे कर रहे हो। अगर आप इसको इससे कंपेयर कर रहे हो तो बड़ा हो गया, इसको आप इससे कंपेयर करो छोटा हो गया। इसको बोलते हैं रिलेटिव कॉन्सेप्ट, आप किससे कंपेयर करते हो। एक ही आदमी है, किसी के लिए वो भाई है, किसी के लिए वो चाचा होगा, किसी के लिए वो पापा होगा, मीन्स अलग अलग रेफरेंस देखने पे वो आदमी अलग अलग हो जाता है। गॉट इट, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव कॉन्सेप्ट। एंड सेम यही कॉन्सेप्ट रेस्ट एंड मोशन में है, एवरीथिंग कैन बी एक्सप्लेन एट रेस्ट इन रेस्ट पोजिशन एंड एवरीथिंग कैन बी एक्सप्लेन इन मोशन पोजिशन। आई कैन से एवरीथिंग इज एट रेस्ट एंड एवरीथिंग इज इन मोशन, इट डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जर्वर कि वो कहां से ऑब्जर्व करते हैं। ओके सो चिल्ड्रन, ये जो टॉपिक है मोशन, एक फिजिक्स जब इसको हम पढ़ते हैं तो ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मूविंग ऑब्जेक्ट, उस ब्रांच को हम बोलते हैं मैकेनिक्स। क्या बोलते हैं भाई, मैकेनिक्स। अब ऐसा नहीं कि इसको सुन के आपको लगे बहुत मोटा हो गया, आपने सुना होगा मैकेनिक्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, थर्मोडायनामिक्स हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, दीज आर द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ब्रांच ऑफ फिजिक्स। अब इसको सुन के ऐसा मिलेगा कि बहुत टफ हो गया फिजिक्स, एक्चुअली ऐसा माइंडसेट होता है कि फिजिक्स बड़ा टफ है। पता है सुबह आप जब उठते हो तो सो के उठने के बाद नहाना, कपड़े पहनना, जॉब पे जाना, जॉब पे जा रहे हो तो ऑटो इज मूविंग, बस इज मूविंग, ट्रेन इज मूविंग, एरोप्लेन चल रहा है, फैन रोटेट हो रहा है, ऑफिस में गए लाइट चल रही है, पेड़ से पेड़ के पत्ते हिलते रहते हैं, पेड़ का पत्ता गिर रहा है, बारिश होती है तो बारिश की बूंदें नीचे आती हैं, यू नो अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, इवन ऑल द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन, मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। आप अपने सराउंडिंग में जो भी चीजें देख रहे हो, वट एवर यू आर ऑब्जर्विंग अराउंड योर सेल्फ, उस चीज को समझने के लिए एक सिंपल सिंपल रूल्स लॉज बनाए गए, और उन सारे लॉज को स्टडी करने के लिए जो एक पॉइंट है दैट इज कॉल्ड फिजिक्स, दैट इज कॉल्ड फिजिक्स। आपको साइकिलिंग तो आती होगी, सपोज आप साइकिल चला रहे हो एंड काफी फास्ट चला रहे हो, कहीं टर्न आ गया तो आपने फील किया हो, जब टर्न आता है तो आपकी साइकिल टुवर्ड्स
टर्न झुक जाती है अपने आप। अगर नहीं झुके तो आप बाहर की तरफ गिर जाओगे, ये श्योर है। अगर आपकी स्पीड बहुत फास्ट है और इन दैट स्पीड इफ यू वांट टू टेक टर्न, आपको टर्न की तरफ झुकना ही पड़ेगा, चाहे आपको फिजिक्स आती हो या ना आती हो, आप साइंस के हो, कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, किसी भी सब्जेक्ट के हो, आप लिटरेट हो, इलिटरेट हो, कुछ भी हो, लेकिन जब आप फास्ट स्पीड में टर्न पे टर्न लेते हो तो आपको झुकना ही पड़ेगा। नेचर है ये, एंड नेचर को स्टडी करते फिजिक्स में तो आप ये कह सकते हैं कि नेचर अपने रूल्स को फॉलो करवा ही लेती है, वेदर यू नो द रूल्स और नॉट। ठीक है, एंड वो सारे रूल्स हम कहां पढ़ते हैं? फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो बेटा फिजिक्स इज नॉट टफ, इट्स अ वेरी टची, वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। एक बार आपको फिजिक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, फिर उसके बाद आपको हर तरफ फिजिक्स ही दिखाई पड़ेगी। Then try to understand each and every concept and also feel free to ask doubt on the spot कि हमको ये नहीं समझा। Okay, तो ये हमने ये सिर्फ ये explain किया, आपके chapter का नाम motion है, तो motion होता क्या है, ठीक है, ये हो गया। And before going into the chapter, हम कुछ basic चीजें और try करेंगे समझने का, डिस्कस करने का, एंड दोज बेसिक थिंग्स आर लाइक दिस। इसको मैं पढ़ता हूं, आगे बढ़ जाते हैं। सी चिल्ड्रन, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फिजिक्स और साइंस, यू कैन से इज द नॉलेज ऑफ एग्जैक्टनेस, नॉलेज ऑफ एग्जैक्टनेस। जैसे अगर अभी आपकी मम्मी ने आपको बोल दिया कि जाके शॉप से चावल लेके आना है, चावल पता है ना, ओके पता है, ठीक है, चावल लेके आना है, और आप शॉप कीपर के पास गए और उसको बोला अंकल चावल दे दो, ठीक है, बोल दिया चावल मम्मी ने बोला था। अब अंकल भी खड़े, तुम भी खड़े, क्योंकि उनको यही पता है कि चावल कितना देगा बंदा। आपको पहला तो बताना पड़ेगा कौन सा और वो कितना चाहिए। अगर मैं बोलूं कि वो सामने वाला आदमी बड़ा हाइटेड है, साइंटिफिकली ये करेक्ट नहीं है, आपको बताना पड़ेगा उसकी हाइट कितनी है। आप यहीं पे नहीं बच पाओगे ये बोल के कि वो हाइटेड है, आपको एग्जैक्ट उसकी हाइट बतानी पड़ेगी, दैट इज साइंस। ओके, तो ये सब चीज समझने के लिए पहली चीज जो हमको समझनी है, दैट इज फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। नाम तो सुना होगा, क्वांटिटी का मतलब होता है अमाउंट, क्या होता है अमाउंट, ये ज्यादा क्वांटिटी है ये कम क्वांटिटी है, दैट इज अमाउंट। लेकिन जिस क्वांटिटी को आप मेजर कर सकते हो, जिसको आप मेजर कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मैं एग्जांपल लू, ये क्या है, मार्कर है, आप इसका लेंथ आप स्केल से मेजर कर सकते हो, तो लेंथ क्या हो गई, फिजिकल क्वांटिटी हो गई। अब इसका कुछ मास होगा, आप इसको वेइंग मशीन से वेट कर सकते हो, तो मास क्या हो गई, फिजिकल क्वांटिटी हो गई। अभी मैं आपको बोल दूं लाइट, लाइट हर तरफ है, देखो अब लाइट को तुम कैसे मेजर करोगे भाई, यू डोंट हैव एनी इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द लाइट। यू कैन मेजर इंटेंसिटी ऑफ लाइट, बट लाइट यू कांट मेजर। तो जिसको मेजर कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। मैं बोलूं साउंड, आप साउंड को मेजर कर सकते हो, नो नॉट पॉसिबल, ये तो कॉन्सेप्ट है ये, बट साउंड की इंटेंसिटी क्या है, साउंड की वेवलेंथ क्या है, साउंड की स्पीड क्या है, इसको आप मेजर कर सकते हो। तो जो भी हमारे सराउंडिंग में चीजें हो रही हैं, उसको एग्जैक्ट हमको नॉलेज फाइंड करने के लिए जो चीज हम मेजर कर सकते हैं उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। एंड लाइक एग्जांपल आप दे सकते हो लेंथ, मास,
आप टाइम भी तो मेजर कर सकते हो घड़ी से, वेलोसिटी। आई थिंक एट्थ में सेवेंथ में ये सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन। एक कुछ चीजें जिसको आप मेजर कर सकते हो, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी और फिजिकल क्वांटिटीज, इसको आप मेजर कर सकते हो। अगला देखो, अगर हमने भेजा आपको चावल के लिए तो आपको बोलना पड़ेगा कि चावल आपको कितना चाहिए, कितना चाहिए। तो आप एग्जाम्पल के लिए आपने बोल दिया कि चावल आपको चाहिए 40 kg, कितना चाहिए 40 kg। अगर आपने बोल दिया अंकल मुझे 40 चावल दो, तो इट्स वेरी स्ट्रेंज अमाउंट 40, आपको बताना पड़ेगा। ये भी आपने इसको इसमें मेजर किया है। अब इसको अगर ऐसा लिख दो 40 × 1 kg, आपने देखा होगा दुकान पे कुछ लोहे का इतना बड़ा होता है, उसको उसको एक तरफ रखता है बंदा, तो दूसरी तरफ जो भी हम बराबर करके देखेंगे वेग में वे करके, तो उसके इक्विवेलेंट होता है, तो वो 1 kg हो सकता है, वो 2 kg हो सकता है, वो 5 kg हो सकता है। तो अगर आपने 40 kg चावल लिया, इट मीन्स वॉट इन दैट 40 kg दिस 1 kg, मतलब इतना बड़ा जो वेट है वो कितना कितने टाइम्स है, 40 times है। कितना है 40 times, दिस 1 kg इज 40 times इन दैट चावल, 40 kg चावल। तो इसको बोलते हैं यूनिट, क्या बोलते हैं यूनिट, बोलते हैं इसको यूनिट। का मतलब होता है पता है क्या, 1 kg, इसका मतलब क्या होता है यूनिट 1। सपोज आपने कोई स्केल लिया, उसकी लेंथ है 2 meter, तो इसको आप ऐसा कर सकते हो 2 × 1 meter means in the length of this stick, this 1 meter is 2 times, दो बार है। और ये क्या है, हो गया ये यूनिट हो गया, ये यूनिट मतलब क्या होता है 1, मतलब ये 1 meter उसके लेंथ में कितनी बार है, 2 बार है। यहां पे 40 kg में ये 1 kg कितनी बार है, 40 बार है, ठीक है। मीन्स जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इस चीज आप जब 11th में आएंगे तो काफी डिटेल में पढ़ेंगे, ऊपर चैप्टर्स के ऊपर है। तो इन फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने एक स्टैंडर्ड बनाया, और जो स्टैंडर्ड बनाया उसको ही बोलते हैं यूनिट, स्टैंडर्ड मेड फॉर मेजरिंग द फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड यूनिट्स। आइए आप लिख देते हैं स्टैंडर्ड मेड फॉर मेजरिंग द फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड यूनिट्स। जैसे आप लेंथ को किसमें देखते हो, मीटर में, मास को किसमें, किलोग्राम में, टाइम को आप सेकेंड में मेजर करते हो, आर में, मिनट में मेजर करते हो, वेलोसिटी व्हाट मीटर पर सेकेंड, स्पीड मीटर पर सेकेंड। तो जो भी क्वांटिटीज हैं फिजिकल क्वांटिटीज, उसको एग्जैक्ट मेजरमेंट के लिए जो भी स्टैंडर्ड हम यूज करते हैं, That is called unit, ठीक है। चलिए आपके लिए इतना सही है। अब देखते हैं जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, वो होती कितने टाइप की हैं? टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। अभी हम आपके चैप्टर के टॉपिक को स्टार्ट नहीं किए हैं, केवल एक चैप्टर का नाम जो था वो हमने एक्सप्लेन किया है और कुछ बेसिक चीजें सीख रहे हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज। सी जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इनका जो कैटेगराइजेशन है वो अलग अलग बेस पे है। लाइक कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जो किसी और पे डिपेंड नहीं करती,
दे आर इंडिपेंडेंट। तो इसको मैं दो कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूं। पहले मैं इधर बताता हूं जो आपके यहां अभी आपके सिलेबस का नहीं है। तो फर्स्ट क्वांटिटी इज ओनली बेसिक विच आर इंडिपेंडेंट, क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट, मतलब वो किसी पर डिपेंड नहीं करती हैं। और एक है क्वांटिटीज विच आर डिपेंडेंट, डिपेंडेंट मतलब ये किसी पर डिपेंड करती हैं और एक किसी पर डिपेंड नहीं करती हैं। देन क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट, किसी पर डिपेंड नहीं करती हैं, दोज आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्या? फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब इसमें एग्जांपल क्या है हम बाद में देखेंगे, ठीक है। एंड दीज आर कॉल्ड जो किसी और पे डिपेंड करती है, मतलब वो किसी और से उनको फाइंड किया गया है, किसी और से उनको डिराइव किया गया है, दोज आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। अभी जो फंडामेंटल है ये अभी तक केवल 7 है और ये ड्राइव तो बहुत ज्यादा है। फंडामेंटल इंडिपेंडेंट, डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटी, और ये जो क्वांटिटीज जो फंडामेंटल पे इनसे बनी है, इनसे मतलब वो डिपेंडेंट है, दोस आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज। बट हमको यहां पे ये पढ़ना है दूसरा, ये तो एक अलग कैटेगरी हो गई कैटेगराइजेशन करने का। इस फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटीज हैं उनको इन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। आगे क्लास में उसको पढ़ेंगे, लेकिन यहां पे जो मैं आपको बताने वाला हूं जो एक बेसिक कैटेगराइजेशन है फिजिकल क्वांटिटीज का, एक है स्केलर। क्या है? स्केलर। इसको सुनते ही आपको सेकंड याद आना चाहिए क्योंकि आपने शायद पढ़ा हो पिछले प्रीवियस क्लासेस में। स्केलर सेकंड वन, ओके। सेकंड वन इज वेक्टर, मतलब आपके माइंड में आंसर आ गया है, आप हमसे जहां भी हो वहां बैठ के बातें कर सकते हो। ओके, फर्स्ट वन इज स्केलर, सेकंड वन इज वेक्टर। तो आपको ये पता होगा स्केलर क्या है एंड वेक्टर क्या है। ओके, वेरी गुड। स्केलर का मतलब है ऐसी क्वांटिटी जिसको एक्सप्लेन करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड चाहिए। क्वांटिटीज विच कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ मैग्नीट्यूड ओनली, उसको बोलते हैं स्केलर। अब यहां पे एक वर्ड आ गया क्या, मैग्नीट्यूड। ये क्या होता है, ये कहां से एक नया चीज आ गया भाई, मैग्नीट्यूड। जैसे मैंने अभी चावल खरीदा, मैंने लेंथ फाइंड किया, हाइट फाइंड किया ना। अगर ऐसा किया, हमने इसका लेंथ मान लिया 15 सेंटीमीटर, कितना 15 सेंटीमीटर, तो इसकी लेंथ बताने में जो हमने नंबर बोला, नंबर 15, वो नंबर ही इसका मैग्नीट्यूड है। सेंटीमीटर क्या है, इस लेंथ को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट है वो। तो जो हमने नंबर बोला वो है मैग्नीट्यूड। आपने चावल लिया 40 kg, तो जो नंबर है 40, दैट 40 इज व्हाट, मैग्नीट्यूड। केजी क्या है, केजी इज यूनिट, केजी इज व्हाट, यूनिट। तो किसी भी क्वांटिटी को जब मेजर करते हैं, मेजर करने के बाद जो न्यूमेरिकल वैल्यू आती है उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। अब जैसे मैंने भी एग्जांपल लिया था इस मार्कर का, अगर मैं मार्कर को ऐसा रख दिया हमने और बोल दिया 15 सेंटीमीटर का है, हमने इसको कैसे रखा, ईस्ट वेस्ट में रखा, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, कितना है 15 सेंटीमीटर। अब इसको हमने ऐसा कर दिया भाई, अब इधर नॉर्थ है साउथ हो गया, आई हैव चेंज डायरेक्शन। अगर हमने इसका डायरेक्शन बदल दिया तो क्या इसकी लेंथ बदल जाएगी, नो नहीं बदलेगी। हमने इसको ऐसा कर दिया, अप डाउन कर दिया, क्या इसकी लेंथ बदल जाएगी,
नहीं बदलेगी, 15 सेंटीमीटर ही रहेगी। मीन्स इट्स लेंथ कैन बी एक्सप्लेन ओनली इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन का इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा कोई आपसे अगर पूछे कि व्हाट इज योर वेट, सी टेक भूल जाओ उसको, मास ले लो कि आपका मास कितना हो गया, आप क्या बोले, मान लीजिए मेरा मास 10 kg है, तो क्या आप आंसर दोगे माई मास इज 10 kg टूवर्ड्स ईस्ट और 10 kg टूवर्ड्स साउथ? नो, अगर आपसे मास पूछा गया है देन 10 kg, 20 kg, 15 kg इज सफिशियंट टू एक्सप्लेन द टर्म मास, डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपसे कोई आपकी एज पूछे 34 ईयर टूवर्ड्स ईस्ट, कितना ऑकवर्ड लगेगा ना, तो एज में केवल दैट न्यूमेरिकल वैल्यू सफिशियंट टू एक्सप्लेन, नो नीड टू मेंशन डायरेक्शन। तो ऐसी क्वांटिटीज जिसको एक्सप्लेन करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, डायरेक्शन की नहीं। दोज आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज, क्या बोलते हैं उसको, स्केलर, जिसके लिए डायरेक्शन नहीं चाहिए। क्या चाहिए, ओनली मैग्नीट्यूड। इसका कुछ बेसिक एग्जांपल्स लेते हैं, लाइक आप ले लो लेंथ, टाइम, अभी मैंने बोला मास, टेम्परेचर, ये कुछ इस बिल्कुल बेसिक क्वांटिटीज हैं जिसके लिए केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, सेकेंड वन इज वेक्टर, ऐसी क्वांटिटी जिसको एक्सप्लेन करने के लिए बेटा साथ साथ अगर लिखते जाओगे ना तो समझने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ओके, वेक्टर क्या है, जिसके लिए मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन भी चाहिए। हम एक्सप्लेन करते हैं अभी, फर्स्ट डेफिनेशन, क्वांटिटीज फॉर विच विद मैग्नीट्यूड, विद मैग्नीट्यूड डायरेक्शन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, डायरेक्शन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, इसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। एग्जाम्पल ले लेते चलो, आप सबको साइकिलिंग आती होगी, एंड साइकिल आती है तो आपको ये पता होगा कि साइकिल को अगर आगे बढ़ाना है तो हमको पैडलिंग करना पड़ेगा, पैडलिंग हाथ से नहीं, पैर से करना होता है, पर यहां दिखा रहे हैं आपने पैडलिंग करना होता है। कैसे करना होता है, आपको आगे की तरफ पैर को दबाना पड़ेगा तो साइकिल आगे जाएगी। ओके, अच्छा आपको पता है कि मान लीजिए साइकिल को आगे बढ़ाना है तो हमको 10 न्यूटन फोर्स लगाना रहेगा, कितना 10 न्यूटन, अगर 10 न्यूटन फोर्स आप उल्टा घुमाएं पैडल को तो क्या साइकिल आगे बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। आपको ये पता है कि 10 न्यूटन लगाने से साइकिल बढ़ेगी, लेकिन अगर उल्टा चला दिए तो नहीं बढ़ेगी। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमको फोर्स 10 न्यूटन लगाना किस डायरेक्शन में है। ओके, सपोज एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, डोर लगा हुआ है, डोर हमको पता है कि वो डोर 15 न्यूटन से खुलता है, ठीक है, अब उसको 15 न्यूटन लगा करके आप खींच रहे हो, खुल ही नहीं रहा है। एक बंदा आया, उसको अंदर पुश कर दिया, खुल गया, तो यहां पे कितना फोर्स लगेगा सिर्फ ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये भी है कि वो फोर्स आपको लगाना किधर है। मीन्स कुछ ऐसी भी क्वांटिटीज हैं जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसका प्रॉपर डायरेक्शन क्या है, एंड सच क्वांटिटीज आर कॉल्ड वेक्टर। एंड अभी जो हमने एग्जांपल लिया उसके लिए सबसे बढ़िया क्या है, फोर्स है, इसके अलावा वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन, इसे हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो यहां पे क्या हुआ, हमने क्वांटिटीज को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एक वो जिसके लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए और एक वो जिसके लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए। ओके, तो चलिए टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द नेम रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट एंड मोशन, दैट इज एब्सोल्यूट रेस्ट एंड एब्सोल्यूट मोशन का कोई मतलब नहीं है, नथिंग कैन बी एक्सप्लेन्ड ओनली एट रेस्ट एंड नथिंग कैन बी एक्सप्लेन्ड ओनली इन मोशन, एवरीथिंग कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ मोशन, इन टर्म्स ऑफ एट रेस्ट।
उसके बाद कुछ बेसिक चीजें हमने सीख लिया, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, यूनिट्स क्या होती हैं और फिजिकल क्वांटिटीज कितने टाइप की होती हैं। यहां पे हमने क्या सीख लिया, स्केलर एंड वेक्टर। ओके, अब आगे बढ़ने से पहले एक और बेसिक चीज सीख लेते हैं और वो सीखने के बाद हम आएंगे आपके चैप्टर के ऊपर जो आपके सिलेबस में है। ओके, वेरी गुड, इसको हम रख कर देते हैं, फिर वो बेसिक चीज क्या है ये सीख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी, जैसे हम अभी हमने बोला कि अगर हम लेंथ को मेजर करते हैं, लेंथ को, तो अगर आपको अपने घर से मार्केट जाना है तो आप तो ये बोलोगे नहीं कि घर से मार्केट हमारा सेंटीमीटर में है, वो आप क्या बोलोगे, किलोमीटर में है। लेकिन अगर आपको मार्कर की लेंथ फाइंड करनी है तो इसको तो किलोमीटर बोलोगे नहीं, बोल सकते हो क्या? नो, इसको क्या बोलेंगे, सेंटीमीटर में बोलेंगे। मींस डिपेंडिंग अपॉन आप कहां पे यूज करना है, लेंथ को हम मीटर में एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेंथ को सेंटीमीटर में एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेंथ को किलोमीटर में, डेसीमीटर, डेकामीटर, मींस ढेर सारी यूनिट्स हैं एक्सप्लेन करना है अगर लेंथ को। तो ऐसे ही अगर आपको मास मेजर करना है, मास, तो आप इसको ग्राम में, अब अगर मास ऑफ अर्थ फाइंड करना है तो उसको ग्राम में तो फाइंड नहीं करेंगे भाई, बहुत बड़ा है, किलोग्राम, 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 मेट्रिक टन, बहुत सी क्वांटिटीज यूनिट्स हैं मास की। ये तो यूनिट्स ढेर सारी हो गई। अब आप लंदन चले जाओ, कहीं और चले जाओ, तो आप देखो कि हर जगह पे किसी एक क्वांटिटी को मेजर करने के लिए अलग अलग सिस्टम बना हुआ है, अलग अलग सिस्टम बना है। कहीं पे मास को हम किलोग्राम में फाइंड करते हैं तो किसी दूसरी जगह पे हम पाउंड में कैलकुलेट करते हैं, कहीं पे हम लेंथ को मीटर में करते हैं, कहीं पे फुट में करते हैं। तो इसको बोलते हैं सिस्टम्स ऑफ यूनिट। क्या बोलते हैं? सिस्टम्स ऑफ यूनिट, मीन्स अलग अलग जगह का सिस्टम अलग अलग है। जैसे आप सिंपल सा फालतू एग्जांपल लेते हैं, आप अगर महाराष्ट्र में हो तो आलू क्या बोलते हैं, पटाटा, कहीं और जाओ तो वहां पे आलू बोलेंगे, कहीं और जाओ तो पोटैटो बोलेंगे, अलग अलग जगह का सिस्टम है। ओके, कम ऑन यार, सिस्टम्स ऑफ यूनिट। फर्स्ट सिस्टम जो बेसिक है, दैट इज एम के एस, ये सिस्टम है। एम इज वॉट, एम ये चीज बता रही है यूनिट को, एम इज द यूनिट ऑफ लेंथ, मीटर, क्या है, मीटर, और के क्या है, दूर दूरी देते हैं, चलो एम के एस सिस्टम, एम के एस, एम मीन्स मीटर, के इज किलोग्राम, ये लेंथ की यूनिट है, ये मास की यूनिट है, और ये है सेकेंड, सेकेंड किस यूनिट भाई, ओके, ये टाइम की यूनिट है। तो एक सिस्टम क्या है, एम के एस सिस्टम। इस सिस्टम में हम लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकेंड मेजर करते हैं। ओके, सेकेंड, सी जी एस सिस्टम, सिस्टम एक तो है एम के एस सिस्टम, चिल्ड्रन, सी एम के एस सिस्टम, दूसरा है क्या, सी जी एस सिस्टम। इस सिस्टम में हमने लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर किया, किसमें, सेंटीमीटर में, मास को हमने मेजर किया ग्राम में, और टाइम को मेजर किया सेकेंड में। मीन्स एमकेएस और सीजीएस इन दोनों में टाइम की यूनिट सेम है, सेकेंड। ओके, थर्ड यूनिट एफ पी एस, वेरी गुड। अब यहां पे एफपीएस सिस्टम में लेंथ को मेजर करते हैं हम फुट में, फुट पता है ना 30 सेंटीमीटर, एंड मास को हम मेजर करते हैं पाउंड में, और टाइम को सेकेंड में। तीनों में टाइम यूनिट सेम है। तो ये अलग अलग सिस्टम है यूनिट की, और वो अलग अलग जगह पे यूज करते हैं। बट जब अलग यूज करते हैं, ढेर सारे
कंफ्यूजन आते हैं, कंफ्यूजन। तो एक साइंटिफिक बॉडी ने एक स्टैंडर्ड बनाया कि हम चाहे अमेरिका में हो, चाहे इंग्लैंड में हो, चाहे यूक्रेन में हो, मतलब कहीं भी हो वर्ल्ड में, किसी भी देश में हो, सिर्फ एक ही सिस्टम फॉलो करेंगे, एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम इज सिस्टम इंटरनेशनल एंड दिस इज वेरी मच सिमिलर टू एमटीएस। ये और ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है, एसआई सिस्टम। यहां पर भी लेंथ को हम मीटर में मेजर करते हैं, मास को किलोग्राम में मेजर करते हैं, टाइम को सेकेंड में मेजर करते हैं। तो ये तीन सिस्टम्स हैं, लेकिन अभी हम हर जगह पे ये फॉलो करते हैं। एंड नॉर्मली इन न्यूमेरिकल्स इसमें ही, जनरली इसमें ही हम सारे कैलकुलेशन करते हैं, सारे ऑब्जर्वेशन करते हैं इन जनरल। ओके सो चिल्ड्रन, टिल हियर आप स्टडी करो और सोचो, और उसके बाद आपको जो डाउट हो माइंड में वो आप पूछ सकते हो। इसके बाद जब हम मिलेंगे देन विल स्टार्ट योर चैप्टर, ये और डिटेल में है क्या, और अगर आप मोशन में होते हो तो क्या क्या चेंजेस आते हैं। ओके बाय, थैंक यू।